नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीश और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित चैनल नव हेल्थ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स ग्रुप की मेडिसिन टैबलेट जोलफ्रेश के बारे में, जिसका उपयोग मस्तिष्क में मौजूदा नर्व सेल्स की असामान्य गतिविधियाँ जैसे कि मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट और नींद न आना आदि के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों, टैबलेट जोलफ्रेश के बारे में आगे संपूर्ण जानकारी देने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप आने वाली सभी नई वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर जोलफ्रेश टैबलेट में होता क्या है और ये काम कैसे करती है। तो इस टैबलेट का जो मुख्य घटक यानी कंटेनर है वो है जोलपिडेम, और यह अपना काम ब्रेन में CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल्स की हाई एक्टिविटी को कंट्रोल करके करती है, जिससे कि इस मेडिसिन का विशेष तौर पर उपयोग जैसे कि इंसोमिनिया यानी नींद के कम समय के उपचार में, एंग्जाइटी मतलब चिंता विकार, टेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कने सामान्य से तेज होने पर, हाइपर एक्सटेबिलिटी और ब्रीथलेसनेस यानी सांस फूलने पर आदि कंडीशंस में आप यह मेडिसिन यूजिंग में ले सकते हो। जोलफ्रेश टैबलेट यानी जोलपिडेम आपको मार्केट में टैबलेट फॉर्म में 2 टाइप क्वांटिटी मतलब दो तरह से अवेलेबल होती है, जैसे कि 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। फिलहाल दोस्तों, मेरे पास जो जोलपिडेम टैबलेट है यह 10 मिलीग्राम की है और यह एबॉट फार्मा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ध्यान दें दोस्तों, यह टैबलेट एक शेड्यूल्ड ड्रग है। बेहतर होगा कि आप अपनी मर्जी से यह मेडिसिन यूज ना करके एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों में इस टैबलेट के यूजिंग से या फिर ओवरडोज यूजिंग से उनमें कुछ परेशानियों को भी देखा गया है, जिन्हें आप इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी कह सकते हो। उन साइड इफेक्टों में आपको जैसे कि माउथ ड्राइनेस यानी मुंह का सूखना जैसा प्रतीत होना, चेस्ट पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना, लगातार कन्फ्यूजन सी बनी रहना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, UTI इन्फेक्शन और नोजिया और वोमिटिंग। वे इन सब के बावजूद जोलफ्रेश टैबलेट के कंटिन्यू ओवरडोज यूजिंग से आपको अकस्मात यानी अचानक से फीड्स जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको जोलफ्रेश टैबलेट के यूजिंग से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर फील होती है तो जल्द से जल्द इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस टैबलेट के प्रीकॉशन की, मतलब इस टैबलेट को कब कब यूज में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप जोलफ्रेश टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही मियास्थीनिया ग्रेविस यानी कि पेशीय दुर्बलता में, पल्मोनरी इंसफिशियंसी विद लीवर डिसऑर्डर यानी कि अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप जोलपिडेम कंटेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इसके बावजूद जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, तो ऐसी महिलाएं खासतौर से इस मेडिसिन का उपयोग हो सके तो एक डॉक्टरी देखरेख में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप जानते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में, यानी कि इस टैबलेट का सेवन आपको कैसे और कितनी डोजेस के अनुसार करना होता है। तो जैसे कि अगर आप वयस्क हो और आपको जैसे कि रात में सोते समय बेचैनी या फिर नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम्स लगातार बनी हुई हैं, तो आप जोलफ्रेश टैबलेट की 10 मिलीग्राम की एक गोली रात को सोने से पहले यूज़ में ले सकते हो, जो कि आपके ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल कर अच्छी नींद लाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये थी टैबलेट जोलफ्रेश से जुड़ी कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। मैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।